चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो अभी का हमारा टॉपिक है, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन। ठीक, अब देखते हैं कि फंक्शन में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो मैं एक फाइल खोल लेता हूँ जिसमें मैंने लिख करके रखा हुआ है कि फंक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है। ये हमारे फंक्शन के सारे टॉपिक हैं। डिफाइनिंग फंक्शन, किस तरीके से फंक्शन डिफाइन करेंगे, उसकी डिक्लेरेशन क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, हाउ टू डिफाइन फंक्शन, फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, रिकर्शन क्या होता है, थ्री वे ऑफ रिकर्शन, कैसे कैसे रिकर्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, हॉस्टिंग क्या होती है फंक्शन की। हम वेरिएबल हॉस्टिंग पढ़ चुके हैं, हम समझ रहे होंगे कि उठ करके नीचे से ऊपर चला जाता होगा, मतलब हम देख भी चुके हैं, बट ठीक है फिर से पढ़ेंगे। फंक्शन का स्कोप क्या होता है, नेस्टेड फंक्शन क्या होता है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहली फाइल बनाते हैं अपनी फंक्शन डॉट जेएस। नॉर्मल से एक फंक्शन बनाता हूं, मुझे दो नंबर अगर ऐड करना था तो मैंने लगा फंक्शन, मैंने कहा ऐड टू नंबर, दोनों नंबर पास करूंगा यहां पे, मैंने कहा नम वन नम टू, नीचे आ गया मैं, मैंने लिया, मैंने कहा लेट सम इज इक्वल टू नम वन प्लस नम टू, बेहतरीन बिल्कुल। अब क्या किया मैंने, मैंने कहा कि जब दोनों सम हो जाएंगे तो मैं इनको उठा करके कंसोल डॉट लॉग सम को प्रिंट कर दूंगा, या मैं मैसेज देना चाहूं तो मैं जानता हूं कई तरीके हैं मेरे पास। एक तो ये बैकटिक वाला मैसेज है, मैंने लिखा सम इज इक्वल टू डॉलर ब्रैकेट में सम लिख दिया। ठीक, बैकटिक हम पढ़ चुके थे। तो ये हमने एक फंक्शन बनाया है जावास्क्रिप्ट में। ठीक, डिक्लेरेशन क्या होता है, जो ये ऊपर का पार्ट होता है यही डिक्लेरेशन है। ठीक, ये सिग्नेचर बोल रहे फंक्शन की, जो यहां से ये जो कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हो रहे हैं मेरे, तो ये कर्ली ब्रेसेस मेरा स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट होकर के और यहां तक जा रहा है, ये फंक्शन की का स्कोप है, स्कोप है ये फंक्शन का। ठीक, और ये जो नीचे अब फंक्शन के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है यही इस फंक्शन की डेफिनेशन है, मतलब इस नाम से आप ये जान जाएंगे कि ठीक है इस फंक्शन का नाम एड टू नंबर है, ये दो नंबर एज अ आर्गुमेंट ले लेगा और नीचे आकर के क्या कर रहा है ये यहां से नहीं पता चलेगा, ये यहां आके आप देखेंगे जब डिफाइन किया गया। दो नंबर के एडिशन का फंक्शन है, अंदर डेफिनेशन है, सब्ट्रैक्शन भी कर सकता हूँ, तो डेफिनेशन ये होती है जो अंदर लिखा जाता है। ठीक, देखते हैं अब करके इसको, किसको कॉल करना हो अगर इस फंक्शन को, मतलब ये डिक्लेरेशन क्या है, ये ऊपर जो लिखा डिक्लेरेशन था इसका, सिग्नेचर थी, उसके बाद से स्कोप क्या था, कहां से ये फंक्शन स्टार्ट हुआ है और कहां खत्म हुआ, इस ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ और इस ब्रैकेट पे खत्म हुआ। ठीक, देख सकते हैं अगर ये लेट सम फंक्शन के अंदर है तो हम बाहर यहाँ पे अगर सम को प्रिंट करना चाहें कि कंसोल डॉट लॉग सम, मैंने कहा मैं यहां प्रिंट कर देता हूं, तो क्या यहां पे मैं इस सम को प्रिंट कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, ये मुझे एरर दे देगा। मैं चला करके रन करके देख लेता हूं इसको, मैंने कहा नोड और अपने फाइल का नाम दिया, एंटर दे दिया, एरर रेफरेंस एरर सम इज नॉट डिफाइंड। ठीक, क्यों, क्योंकि सम डिफाइंड नहीं है, वो फंक्शन के स्कोप के अंदर है और लेट वेरिएबल जहां होता है वही उसका स्कोप है, बाहर नहीं आ सकता था, तो ये फंक्शन का स्कोप है। इतनी बात हमें समझ में आ गई है। अब बात करते हैं कॉलिंग ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, कॉलिंग अ फंक्शन, फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं। तो फंक्शन को फंक्शन के नाम से कॉल करते हैं, उसका नाम लिख दीजिए, जितने आर्गुमेंट वो मांग रहा है उतने आर्गुमेंट भेज दीजिए और उस फंक्शन को आप कॉल कर लेंगे। अब रन करके देखते हैं इसी फंक्शन को, हम चल गया 23 और 34 यहां पहुंचा, 23 इसमें गया 34 नम टू में गया, दोनों का एडिशन हुआ 4 + 3 = 7 और ये 2 + 3 = 5 = 57 और यहाँ आकर के इसने सम इज इक्वल टू 57 प्रिंट कर दिया है, बेहतरीन। यानी आप क्या क्या समझ गए, आप समझ गए कि फंक्शन के डेफिनेशन क्या होती है, स्कोप क्या होता है, डिक्लेरेशन क्या होता है और कॉल कैसे करते हैं, ये इतनी चीजें हमें समझ में आ गई है। डेफिनेशन
डिक्लेरेशन, ये दोनों बातें समझ में आ गई। ठीक, अ फंक्शन डेफिनेशन आल्सो कॉल्ड अ फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ द फंक्शन कीवर्ड फॉलोड बाय द नेम ऑफ द फंक्शन। अब इसने यही सारी कहानी लिखा हुआ है, मतलब टोटल कि भाई एक फंक्शन कीवर्ड होगा, उसके बाद उसका एक नाम होगा, अगर आर्गुमेंट है, विदाउट आर्गुमेंट फंक्शन भी हो सकता है, तो आर्गुमेंट की लिस्ट होगी पूरी, अंदर आकर के हम सारी कहानी लिख देंगे। इतने तक कोई दिक्कत हमें नहीं है, ये ट्रेडिशनल तरीका है, अभी आगे जाकर के पूरा बदलने वाला है। प्रिमिटिव पैरामीटर सच एज नंबर्स आर पास्ड टू फंक्शन बाय वैल्यू। ठीक है, और अब आते हैं यहाँ पे, जब मैंने ये 23 पास किया था तो यहाँ क्या पहुंचा था। तो अभी मैं आगे ये कह रहा हूं कि ये जो 23 पास किया था, ये जैसा पास करते हैं वैसा ही पहुंचता है। तो अब कुछ चेंज करके देखते हैं फंक्शन में पास करके। ये बंद कर रहा हूं फाइल, एक नई फाइल बना रहा है, पासिंग वैल्यू डॉट js। ये फंक्शन यहां ले आया। अब मैंने क्या करा, मैंने कहा कि यहां पे मैं लिख रहा हूं लेट a इज इक्वल टू 3, लेट b इज इक्वल टू 4, दो वैल्यूज हो गई। मैं यहां पे a पास कर रहा हूं, यहां पे b पास कर रहा हूं। ठीक, a और b यहां जा रहे हैं, और फंक्शन का नाम मैं बदल दे रहा हूं, मैं इसका नाम लिख देता हूं इंक्रीज बाई 1, एक ही नंबर ले लेता हूं। चलिए मैं दिखाना चाहता हूं कि कुछ एक चीज यहां से ये हटा रहा हूं, एक ही वेरिएबल पास कर रहा हूं जिसको वहां ले जाकर के उसमें 1 बढ़ा दूंगा। ये जो num यहां पे आया है इसकी वैल्यू मैं अपडेट करने वाला हूं 1, num इज इक्वल टू num प्लस 1, जितना भी पास करेंगे उसको एक बढ़ा करके प्रिंट कर देगा। यहां लिखा अपडेटेड वैल्यू और यहां पे num को प्रिंट कर दिया। अब हम इस बात को समझ सकते हैं कि a में 3 है, यहां पे a पास किया मैंने, a पास होकर के यहां पहुंचा इंक्रीज बाई 1 में, नीचे आया, तो यहां अब नम ने इससे ए से वैल्यू नम में ट्रांसफर हो गई। कुछ ऐसा हुआ कि ये ए था मेरे पास, ए में 3 पड़ा हुआ था जब ये, और ये नम था, ये नम था, इसके पास कुछ था नहीं अभी, यहां वाला ये वाला नाम। जब ये आप यहां पे कॉल कर रहे हैं, नाम बदल दूंगा अभी, ये सॉरी बदल देता हूं मैं, बदल दूंगा क्यों, ये इंक्रीज बाई 1 कॉल होगा यहाँ पे, एड टू नंबर नहीं कॉल होगा। ठीक, ये फंक्शन कॉल कर रहा हूं। अब क्या हुआ कि जब ये ए यहां से वैल्यू भेज रहा है यहां पे, तो ये 3 ट्रांसफर हो रहा है यहां पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये ए अलग है, ए के 3 जो वैल्यू थी वो अलग है, और नम के पास जो 3 मिला है वो अलग है, ये दोनों एक नहीं है। ठीक, तो अब यहां पे नम इज इक्वल टू नम प्लस 1 किया आपने, तो 3 नम इज इक्वल टू मतलब हम इस लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, नम प्लस 1 3 प्लस 1 पुरानी वैल्यू उसकी 3 थी, तो 3 प्लस 1 4 हो गया, तो अब ये वैल्यू अपडेट हो गई, यहाँ पे 4 आ गया 3 की जगह पे। इस ए पे आपको दिख रहा है कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने यहाँ प्रिंटिंग किया कंसोल डॉट लॉग अपडेटेड वैल्यू इज इक्वल टू नम, देखा एक अपडेटेड वैल्यू इज इक्वल टू 4, अब बाहर आएंगे तो इस ए पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। अगर मैं यहाँ पे इस ए को प्रिंट कर दूं तो मुझे A is equal to, देख रहा हूँ मैं बार बार अलग अलग तरीके का सिंटेक्स यूज करता हूँ ताकि आपको आदत हो जाए देखने की, कि यहाँ पे भी वैल्यू देना था मैंने बैकटिक लगाया, यहाँ कंसोल लॉग मैंने कॉमा लगा दिया। तो हम इसलिए अलग अलग तरीके से लिखते हैं कि आपको ये मालूम हो कि हर तरीके से लिखा जा सकता है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कि क्या होता है। अपडेटेड वैल्यू जो है वो 4 है और ये ए अभी भी 3 है, यानी यहाँ वैल्यू पास करने के बाद भी, अगली लाइन पे आने के बाद एक ही वैल्यू चेंज नहीं हुई, इसको बोलते हैं पास बाय वैल्यू। ठीक, अगली चीज जो आएगी वो पास बाय रेफरेंस आएगी।
ठीक, इसमें क्या होता है ए पे फर्क नहीं पड़ा। अच्छा यहाँ पे प्रिंटिंग में ए अलग से लिखा था, तो देखिए ए इंटीजर है अभी भी, कलरफुल दिख रहा है आपको, और नम को स्ट्रिंग के अंदर एम्बेड कर दिया, तो अब वो नंबर जो 4 था वो जाके स्ट्रिंग का पार्ट बन गया है। तो ये आपको प्रिंटिंग से भी डिफरेंस दिख रहा होगा। तो ये था वैल्यू पास करना, मतलब इस ए पे कोई फर्क नहीं हुआ, ए के अंदर जो वैल्यू थी वो नम में चली गई, आगे ऑपरेशन नम पे हुए, ए पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो जब भी हम प्रिमिटिव वैल्यूज भेजते हैं तो ऐसा होता है, ये लिखा था यहाँ पे। प्रिमिटिव पैरामीटर्स सच एज नंबर्स आर पास्ड टू फंक्शन बाई वैल्यू, नंबर वगैरह जो है, नंबर है, स्ट्रिंग भी, मतलब जो भी प्रिमिटिव वैल्यूज है, नंबर है, फ्लोट है, उनको जब पास करेंगे तो एज अ वैल्यू पास होंगे। और जब मैं ऑब्जेक्ट को पास करूंगा, नॉन प्रिमिटिव वैल्यू होती है ये, ठीक। प्रिमिटिव वैल्यू का मतलब जो कॉन्स्टेंट जो थे हमारे पास लिटरल्स जब हमने पढ़ा था, तो वो प्रिमिटिव वैल्यूज थी। अब जब ऑब्जेक्ट, इसीलिए अलग से पढ़ा था डेटा टाइप में कि ऑब्जेक्ट अलग है। अब जब ऑब्जेक्ट पे आएंगे, एरे भी ऑब्जेक्ट के अंदर आता है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी ऑब्जेक्ट के अंदर, यूजर डिफाइंग ऑब्जेक्ट भी आते हैं, आगे चल के हम फंक्शन से भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी तरीके से ऑब्जेक्ट, एरे, इनको जब भी पास करते हैं तो ये रेफरेंस में पास होते हैं। ऑब्जेक्ट नॉन प्रिमिटिव एरे और यूजर डिफाइंड एज अ पैरामीटर एंड द फंक्शन चेंज द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं क्या होता है। ये पास वैल्यू था, इसको बंद कर रहा हूं मैं, ये कॉपी कर ले रहा हूं, थोड़ी हेल्प करेगा जल्दी से फंक्शन लिखने में, या रहने देते हैं। तीसरा करता हूं, पास रेफरेंस डॉट जेएस। ये बड़े छोटे छोटे से पॉइंट है, बहुत जरूरी पॉइंट है। एक फंक्शन बना लेता हूं, फंक्शन अपडेट नेम कर देता हूं अभी, और यहां पे मान लेता हूं कि एक कोई ऑब्जेक्ट आएगा, एक कोई ऑब्जेक्ट आएगा, मान लेता हूं स्टूडेंट। और अब मुझे क्या करना है कि जो भी ऑब्जेक्ट आएगा स्टूडेंट, ठीक, उसका जो नाम होगा, मैं अभी मतलब मैं वो बहुत बड़ा सा फंक्शन नहीं लिख रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि सारी चीजें पॉजिटिव है, मतलब नाम है उसके पास। मैंने कहा उसका जो नाम है, उसके नाम, नाम जो होगा उसका नाम जो होगा उसके नाम के आगे आप मिस्टर लगा दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, या हाय लगा दीजिएगा, कुछ भी करके देखना है बस एक चीज। ये काम मैंने किया यहां पे, और यहां मैं प्रिंट कर रहा हूं कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट ही प्रिंट कर दे रहा हूं, छोटा सा ऑब्जेक्ट को यहां प्रिंट कर दिया मैंने, ठीक। कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हूं, रिटर्न नहीं कर रहा हूं, रिटर्न करने वाले केसेस बाद में देखेंगे। फिर यहां पे क्या किया कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक। इस ऑब्जेक्ट में मैंने एक नेम प्रॉपर्टी डाली और इस नेम पे मैंने नाम डाल दिया, ठीक। अब मैंने ये फंक्शन कॉल किया अपडेट नेम वाला, और इसमें मैंने ये ऑब्जेक्ट इस पास कर दिया, और इसके बाद मैंने कंसोल लॉग लगाया और यहां मैंने लिखा कि ओल्ड ऑब्जेक्ट इज, और यहां मैंने ये OBJS प्रिंट कर दिया जो मैंने उस वेरिएबल के साथ करा था। तो अब देखना ये है कि क्या ऐसा होगा कि ये ऑब्जेक्ट बेहतरीन, अगर ऐसा हो जाता है तो इससे अच्छी चीज हमें क्या चाहिए कि मैं ये ऑब्जेक्ट यहाँ से पास करूं, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाए, स्टूडेंट ने पहुंचे और हाय ये प्रिंट हो जाए और ये स्टूडेंट अपडेट हो, वहां पे नंबर अपडेट हुआ था, जो ए पास किया था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा था, तो ये चेंज हो जाए, यहाँ पे ना चेंज, बहुत आसानी होगी इस तरीके से काम करने में। तो मैंने इसको बना लिया है, मैंने कहा मैं कॉल कर लेता हूं, बेहतरीन एकदम। लेकिन हुआ नहीं ऐसा, ये नेम यहां पास हुआ, यहां गया, इसने हाय अजहर प्रिंट किया, जो ऑब्जेक्ट यहां से पास कर रहा था वो ऑब्जेक्ट में भी इसने हाय अजहर प्रिंट कर दिया, यानी कि ऐसे तो बहुत खतरा हो जाएगा। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट बनाया है आपने और वो ऑब्जेक्ट आप कहीं पास कर देते हैं, तो जहां पास किया था उस वेरिएबल पे ऑपरेशन परफॉर्म किया, इस OBJS पे नहीं किया, उस वेरिएबल पे किया, उसका नाम बदला था, अरे नम की वैल्यू चेंज करी थी, यहाँ पे नम की वैल्यू चेंज करी थी, ए की नहीं चेंज करी थी, तो ए फ्री था, उस पर कोई असर नहीं पड़ा था, ठीक। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि स्टूडेंट की वैल्यू चेंज करी थी, जो यहाँ से पास किया था, वेरिएबल अलग था, बट वो जो चेंज आया
उसका असर यहां भी पड़ गया। इसको बोलते हैं पास बाय रेफरेंस। ठीक, अरे के केस में भी सेम काम होगा। यानी होता क्या है कि ये जो ओबीजे एस था आपके पास, ओबीजे एस था, इसमें आपने कुछ वैल्यू रखा था, आपने इसमें मान लेते कि अजर रखा हुआ था नाम पे। अब क्या हुआ कि जब आप इसको पास करते हैं तो होता क्या है, एक स्टूडेंट नाम का और वेरिएबल बना मान लेते हैं, ठीक, और उसको कुछ जगह नहीं मिलती, वो पॉइंट करने लगता है इसी अजहर को। अब अगर आप इस अजहर में हाई ऐड कर देते हैं, चाहे आप स्टूडेंट से पॉइंट करवा करके ऐड करें, चाहे ओबीजे एस से पॉइंट करवा के ऐड करें, दोनों की वैल्यू तो सेम है ना, अपने अपनी मेमोरी नहीं है। तो अगर स्टूडेंट वाले में अजहर के आगे हाई लग गया तो ओबीजे एस वाले में भी अपने आप लग जाएगा। ये रूल है, ये पास बाय रेफरेंस का रूल है, ऐसा होता है। ठीक, सॉल्यूशंस क्या है इसके, उस पे आएंगे वक्त के साथ। अब एक और करके देख लेते हैं। पास बाय रेफरेंस ऑब्जेक्ट है, पास बाय रेफरेंस एरे करके देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट था, अब एक पास बाय रेफरेंस एरे का बना करके देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। पास बाय रेफरेंस एरे डॉट जेस, क्योंकि एरे पे बहुत काम करेंगे। एड वन, एक एरे लूंगा मैं यहां पे और मैं चाहता हूं कि इस एरे के हर एलिमेंट में वन जुड़ जाए। इस एरे के हर एलिमेंट में वन ऐड हो जाए। अब मुझे क्या करना है, मैं यहां पे एक एरे ले लूं, बेहतरीन, डिक्लेयर कर दिया एक एरे 1 2 3 4 5, और यहां पे एड वन को कॉल किया और उसमें ये एरे को पास कर दिया, और यहां पे इसी एरे को प्रिंट कर दूंगा। ठीक, अब यहां अंदर आया, मुझे एरे में के हर एलिमेंट में वन ऐड करना था। ठीक, मैंने लिखा एरे, मैंने कहा कि भैया इसमें 5 एलिमेंट भेजे हैं ARR0 के, ARR0 पे जो भी ARR0 पे हो उसमें प्लस वन कर दो। ठीक, ARR1 के लिए मैंने कहा ARR1 पे जो हो उसमें प्लस वन कर दो। ठीक, ARR2 के लिए मैंने कहा ARR2 पे जो हो, ARR3 के लिए मैंने कहा ARR3 पे जो हो उसमें प्लस वन करके इसकी वैल्यू अपडेट कर दो। ठीक, और ARR4 के लिए ARR4 पर जो हो उसमें प्लस वन करके ARR4 पर रख दो। हमने सब में वन जोड़ दिया, एकदम बेहतरीन, अलग अलग वैल्यू डाली, लोगों को कुछ चलाया ही नहीं है। ठीक, इस एरे पे काम कर रहे हैं, इस ARR1 पे काम नहीं कर रहे, इसको सिर्फ पास किया है। और अब चलते हैं और प्रिंट इस ARR1 को कर रहे हैं, देखते हैं कि ऐसा तो नहीं कि इस पे कुछ असर पड़ रहा है। क्या हुआ, यहाँ ये 1 2 3 4 5 था और यहाँ ये ARR1 ओल्ड एरे जो था, ओल्ड एरे ठीक, उसकी वैल्यू चेंज हो गई, वो 2 3 5 4 5 6, मतलब 1 1 एलिमेंट उसमें ऐड होते चले गए, इसमें ऐड नहीं हो रहे हैं। ये वही पास बाय रेफरेंस है, दोनों अलग अलग एरे बने ही नहीं, दोनों सेम एरे हैं। आगे आएंगे कि हम इनका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे।